तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी यूट्यूबर को कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे दे सकते हैं। अगर आपका किसी ने कोई फ़ोटो, कोई आपकी वीडियो क्लिप या पूरी वीडियो यूज कर लिया है तो आप उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं, उसकी वीडियो डिलीट हो जाएगी, साथ ही उसके चैनल पे स्ट्राइक चली जाएगी। तो पहले ये थोड़ा अलग था, अब थोड़ा अलग प्रोसेस इसका हो चुका है। तो आपको मैं नया प्रोसेस बताऊंगा कि नया प्रोसेस क्या है कॉपीराइट स्ट्राइक देने का। बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। लाइव आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मैं करके यहां पर दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम आईडी पर आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है त्यागजी टेक चैनल। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने मोबाइल कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको लाइव दिखाते हैं कि आप कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको YouTube में उस वीडियो को प्ले कर लेना है जिसको आपको स्ट्राइक देनी है। तो मुझे इस वीडियो को डिलीट करवाना है और इस वाले चैनल ने मेरी वीडियो कॉपी कर रखी है। तो वीडियो के ऊपर आपको तीन डॉट दिखाई देंगे यहां पर दाई तरफ, इसको आपको क्लिक करना है। रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा इनफ्रेज्ड माय राइट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले वाले ऑप्शन पे कॉपीराइट इशू पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नीचे को स्क्रॉल करते हुए जाना है और नीचे को स्क्रॉल करते हुए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट ए कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट, ब्लू कलर में, इसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और पेज ओपन हो जाएगा। जो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है मैं पूरा प्रोसेस इसका आपको बताऊँगा, बस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है और ये आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। मैं एक एक पॉइंट बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डायरेक्टली कॉपीराइट स्ट्राइक चली जाएगी। बस वीडियो में एंड तक बने रहना और इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर सबसे पहले वाला नंबर वन वीडियो रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल, इसको आपको यहाँ पर ऐड ए वीडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐड ए वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन खुलेंगे। सबसे पहले वाला ऑप्शन खुलेगा टाइप ऑफ वर्क, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वीडियो पे क्लिक कर देना है क्योंकि आपकी वीडियो चुराई हुई है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है इनफ्रिजन वीडियो, यानी जिस बंदे ने आपकी वीडियो चुराई है उस वीडियो का आपको लिंक देना है, यानी उस वीडियो का आपको लिंक देना है जो डिलीट करानी है। तो मुझे इस वाली वीडियो को डिलीट करानी है, इसका मैं यहाँ पर लिंक दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपके पास अगला ऑप्शन आएगा सब कैटेगरी, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। तो इस पर आपको फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल, सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है क्योंकि इसने मेरे यूट्यूब चैनल से ही ये वीडियो चुराई है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई देंगे, माई वीडियो URL, यानी आपको अपनी वीडियो का URL देना है जो आपकी वीडियो इस बंदे ने चुराई है। ठीक है, तो मैं जल्दी से अपनी वीडियो का URL यहाँ पर दे देता हूँ। तो मैंने अपनी वीडियो का URL कॉपी कर लिया, इसको मैं यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है लोकेशन ऑफ इनफ्रिज कंटेंट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ये इसमें दो ऑप्शन दिखाएंगे, एंटायर वीडियो और टाइम स्टैप। एंटायर वीडियो का ये मतलब है कि आपकी पूरी की पूरी वीडियो इसने डाल दी चुरा के, या आपकी वीडियो का कुछ पार्ट डाला है। तो अगर पूरी की पूरी वीडियो चुरा दी है आपकी तो एंटायर वीडियो पे क्लिक करेंगे, और आपकी वीडियो का अगर कोई पार्ट चुराया गया है तो टाइम स्टैम्प पर आप क्लिक करेंगे। तो मेरी इसने पूरी की पूरी वीडियो चुराई है तो मैं एंटायर वीडियो पर यहाँ क्लिक कर दूँगा। ये दोस्तों आपको सारे के सारे ऑप्शन थोड़े से ध्यान से
यहाँ पर फिल करने हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर एक भी ऑप्शन आपने गलत फिल कर दिया तो ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा फॉर्म गलत हो जाएगा और उस बंदे को स्ट्राइक नहीं जाएगी, बल्कि उल्टा आपके चैनल पे स्ट्राइक आने का डर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन ऑफ इन्फ्रिंज्ड कंटेंट, इस पर क्लिक करेंगे और एंटायर वीडियो पे यहाँ पर क्लिक हम कर देंगे, ठीक है। यानी पूरी की पूरी वीडियो इसने मेरी डाल रखी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड लिस्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर ऐड लिस्ट पे क्लिक कर दिया, ये यहाँ पर वीडियो आ चुकी है। उसके बाद हमें जो सेकंड वाला ये है स्टेप, इसको हमें क्लिक पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ऑप्शन अफेक्टेड पार्टी, यानी इससे किस पार्टी को नुकसान हुआ है, तो माई सेल्फ, मतलब मुझे नुकसान हुआ है, ठीक है। उसके सामने वाला लिखा हुआ है रिलेशनशिप टू कॉपीराइट माई सेल्फ रिक्वायर, इस पे भी आप माई सेल्फ लिख देंगे, ठीक है, माई सेल्फ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेम ऑफ कॉपीराइट ओनर, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अपने चैनल का नाम नहीं लिखना, आपको अपना नाम लिखना है। इनको थोड़ा सा आप समझ लीजिए बॉक्स को, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। उसके सामने वाले बॉक्स में आपको कंट्री, तो कंट्री मेरी इंडिया है तो मैं कंट्री पे यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। जो भी आपकी कंट्री हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। तो मेरी यहाँ पर कंट्री है इंडिया, तो मैं यहाँ पर इंडिया को सर्च कर लेता हूँ। तो ये मैंने इंडिया को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, यहाँ पर सिटी डालनी है, यहाँ पर स्टेट डालना है और यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है, ठीक है। यानी आपको इसको पूरे के पूरे बॉक्स को फिल करने हैं। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालना है, यहाँ पर आपका मेल ऑटोमेटिक आ जाएगा, मेल आईडी आपको कोई एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सेकेंडरी मेल डालना है, सेकेंडरी मेल का मतलब जो आपके पास एक दूसरा मेल आईडी है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं इस डिटेल को जल्दी से फिल कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर स्टेप नंबर 3 पे आपको स्टैंडर्ड वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट रिमूवल नाउ, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको नीचे को स्क्रॉल करना है और नीचे को स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको टिक करना है आई सर्टिफाई पे, ठीक है ये। उसके बाद यहाँ पर आपको इन पे भी टिक करना है, टिक करना है, ठीक है, और इस पे भी आपको यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, यानी जो आपने वहाँ पर नाम फिल किया था ना, अभी मैंने नाम फिल आपसे कराया था, वो आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है, ठीक है। एक बार आप फिर से इस पूरी डिटेल को चेक कर ले कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। और लास्ट में आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है सबमिट, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन दिखाएगा, दिस इज़ माई फुल लीगल नेम, ठीक है। ये दिस इज़ माई फुल लीगल नेम, ये यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगा आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, आई एम नॉट ए रोबो। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो कॉपीराइट की स्ट्राइक की रिक्वेस्ट थी वो जा चुकी है और यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज आएगा और ये यहाँ पर आपका स्टेटस भी दिखाएगा इन प्रोग्रेस, यानी आपका जो है वो अभी इन प्रोग्रेस में है आपका कॉपीराइट स्ट्राइक। इसको पहले YouTube चेक करेगा और फिर उस बंदे को स्ट्राइक देगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा मेल भी आएगा, एक मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ, ये देखिए कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नोटिफिकेशन कन्फर्मेशन, थैंक यू फॉर सबमिट ए कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट, यानी आपकी रिक्वेस्ट जो है वो जा चुकी है YouTube के पास। अब YouTube उसको चेक करेगा और उसके बाद उस बंदे की वीडियो को वो डिलीट कर देगा और उसके चैनल पे स्ट्राइक भी वो भेज देगा। बस इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखें, ये डिटेल थोड़ा सा ध्यान से भरें, क्योंकि अगर इनमें डिटेल भरने में आप मिस्टेक कर देते हो तो उल्टा आपके चैनल पे भी स्ट्राइक आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना,
शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।